हेलो दोस्तों, नमस्कार। इंडियन रेल मुसाफिर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है गोल्डन टेंपल मेल ट्रेन के बारे में, जो कि अमृतसर से मुंबई सेंट्रल के बीच में रोजाना चलती है। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है स्वर्ण मंदिर मेल या गोल्डन टेंपल ट्रेन के बारे में। ये जो ट्रेन है अमृतसर से मुंबई सेंट्रल स्टेशन तक चलती है। डेली ट्रेन है, हफ्ते के सातों दिन चलती है। ये अमृतसर से रोजाना एक नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और ये 31 घंटे 40 मिनट पे अपनी जर्नी जो है कवर करती है। इसके तकरीबन 36 स्टेशन हैं और अमृतसर से मुंबई सेंट्रल की जो दूरी है वो 1893 किलोमीटर की ये ट्रेन जो है कवर करती है। इसकी एवरेज स्पीड जो है इस रूट पर वो है 60 किलोमीटर पर आवर और ये सुपरफास्ट टाइप की ट्रेन है। इसे वेस्टर्न रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है। अगर इसके टिकट किराए के बारे में बात करें तो मैं जो अभी आपको टिकट किराया बताऊंगा वो स्वर्ण मंदिर मेल या गोल्डन टेंपल मेल का अमृतसर से मुंबई सेंट्रल तक का बताऊंगा। बाकी आप अपडेटेड किराया जो है रेलवे की वेबसाइट पर जाकर जरूर चेक कर लें। फर्स्ट एसी का जो किराया वो है 4785 रुपये, जिसमें GST चार्ज, रिजर्वेशन चार्ज, बेस फेयर चार्ज और सुपरफास्ट चार्ज शामिल होता है। सेकेंड एसी का जो किराया वो है 2780 रुपये, इसमें भी रिजर्वेशन चार्ज, बेस फेयर चार्ज, सुपरफास्ट चार्ज और GST चार्ज शामिल होता है। ये जो मैं आपको किराया बता रहा हूँ ये अमृतसर से मुंबई सेंट्रल तक का बता रहा हूँ। थर्ड एसी का जो किराया वो है लगभग 1900 रुपये, इसमें भी रिजर्वेशन चार्ज, बेस फेयर चार्ज और सुपरफास्ट चार्ज शामिल होता है। इसके अलावा GST चार्ज भी जोड़ा जाता है। स्लीपर क्लास में कोई GST चार्ज नहीं जोड़ा जाता, बस इसमें रिजर्वेशन चार्ज, बेस फेयर चार्ज और सुपरफास्ट चार्ज होता है। स्लीपर क्लास का जो किराया है वो है 720 रुपये। इसके अलावा इस ट्रेन में जनरल अनरिजर्व डिब्बे भी हैं, जिसका किराया जो है लगभग 407 रुपए के करीब है। ये जो मैंने अभी आपको किराया बताया ये अपडेटेड और सही किराया नहीं है। सही किराया जानने के लिए आप रेलवे की वेबसाइट जरूर रेफर करें। इसके अलावा स्वर्ण मंदिर मेल या गोल्डन टेंपल मेल ट्रेन में रसोई अनुकक्ष यानी कि पेंट्री कार की सुविधा भी साथ में है, जहाँ से आपको ट्रेन के अंदर ही फूड फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। ये फूड फैसिलिटी के लिए आपको एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने होते हैं टिकट के अलावा भी। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं स्वर्ण मंदिर मेल के टाइम टेबल के बारे में और जान लेते हैं अमृतसर से मुंबई सेंट्रल तक इसके कौन कौन से स्टेशन आते हैं। स्वर्ण मंदिर मेल या गोल्डन टेंपल मेल ट्रेन जो है डेली ट्रेन है अमृतसर जंक्शन से। ये रोजाना रात के 9:25 पर रवाना होती है और इसके तकरीबन 36 स्टेशन हैं मुंबई सेंट्रल तक। जो दूसरा स्टेशन आता है वो है ब्यास जंक्शन। ब्यास जंक्शन में ये रात के 9:53 पर पहुँचती है और 9:55 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है जलंधर सिटी जंक्शन में रात के 10:28 पर पहुँचती है और 10:38 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 10 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है जलंधर कैंट जंक्शन में रात के 10:46 पे पहुंचती है और 10:48 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है फगवाड़ा जंक्शन में पहुंचती है। फगवाड़ा जंक्शन में ट्रेन जो है रात के 11:03 पे पहुंचती है और 11:05 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है और 99 किलोमीटर की यात्रा जो है कवर कर चुकी होती है। उसके बाद लुधियाना जंक्शन में ये रात के 11:50 के करीब पहुंचती है और 12 बजे के करीब वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 10 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है अंबाला कैंट जंक्शन में पहुंचती है। अंबाला कैंट जंक्शन में रात के 1:50 पर पहुंचती है और 10 मिनट बाद वहाँ से रवाना हो जाती है। उसके बाद यमुनानगर जगाधरी में ये ट्रेन जो है 2:38 पर पहुंचती है और 2:40 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। सहारनपुर जंक्शन में 3:30 पर रात को पहुंचती है और 3:40 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 10 मिनट का स्टॉप है। मुजफ्फरनगर में ये ट्रेन जो है सुबह 4:23 पर पहुँचती है और 4:25 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है और यहाँ पर ये ट्रेन जो है 388 किलोमीटर की यात्रा जो है कवर कर चुकी होती है। उसके बाद ये मेरठ कैंट में पहुंचती है सुबह 5 बजे और 5:03 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है मेरठ सिटी जंक्शन में सुबह 5:17 पर पहुँचती है और 5:22 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है। गाजियाबाद जंक्शन में ये ट्रेन जो है सुबह 6:18 पर पहुँचती है और 6:20 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है अपने अगले स्टेशन हज़रत निज़ामुद्दीन स्टेशन में पहुंचती है, जो कि दिल्ली का एक स्टेशन है। यहां पर ये सुबह 7:05 पर पहुँचती है और 15 मिनट बाद 7:20 पर वहां से रवाना हो जाती है। फरीदाबाद स्टेशन में ये 7:37 पर सुबह पहुंचती है और 2 मिनट बाद वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद गोल्डन टेम्पल मेल ट्रेन जो है वो उत्तर प्रदेश के मथुरा जंक्शन में पहुँचती है। मथुरा जंक्शन में ट्रेन जो है सुबह 9:45 पर पहुँचती है और 9:50 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है भरतपुर जंक्शन
राजस्थान में सुबह 10:23 पे पहुंचती है और 10:25 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है बयाना जंक्शन में सुबह 10:53 पे पहुंचती है और 10:55 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है और यहां पर ये ट्रेन जो है 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके रुकती है। उसके बाद ये हिंडौन सिटी में सुबह 11:18 पे पहुंचती है और 11:20 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है श्री महावीर जी स्टेशन में पहुंचती है सुबह 11:28 पे और 11:30 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। गंगापुर सिटी में ये ट्रेन जो है गंगापुर सिटी राजस्थान में ट्रेन जो है 12:00 पहुंचती है और 12:05 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 5 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है सवाई माधोपुर जंक्शन में 12:50 पे पहुंचती है और 12:55 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 5 मिनट का स्टॉप है और 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है कोटा जंक्शन राजस्थान में 2:15 पे पहुंचती है और 2:25 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 10 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद गोल्डन टेम्पल मेल ट्रेन जो है रामगंज मंडी जंक्शन में 3:21 पे पहुंचती है और 3:32 पे वहां 3:22 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 1 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है भिवानी मंडी स्टेशन में पहुंचती है 3:43 पे और 3:45 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है और यहां पर ये जो ट्रेन है 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके रुकती है और अमृतसर से यहां तक की जो दूरी है 1074 किलोमीटर के करीब जो है कवर कर चुकी होती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है मध्य प्रदेश में एंटर करती है शामगढ़ स्टेशन में 4:08 पे और 4:10 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है नगदा जंक्शन में 5:55 पे पहुंचती है और 5:57 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है और 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है रतलाम जंक्शन में 6:50 पे पहुंचती है और 7 वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 10 मिनट का स्टॉप है। यहां पर ये 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके रुकती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है मेघनगर स्टेशन में पहुंचती है 8:03 पे और 8:08 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 5 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है गुजरात में एंटर करती है। गुजरात में गोल्डन टेम्पल ट्रेन जो है मेल ट्रेन जो है दाहोद में पहुंचती है 8:32 पे और 8:34 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। गोधरा जंक्शन में ट्रेन जो है 9:51 पे पहुंचती है और 9:53 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है वडोदरा जंक्शन में पहुंचती है। वडोदरा जंक्शन में ट्रेन जो है 10:53 पे पहुंचती है और 11:03 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 10 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है गुजरात के आखिरी स्टेशन सूरत में 12:57 पे पहुंचती है और 1:02 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 5 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है महाराष्ट्र में पहुंचती है। महाराष्ट्र में ये मुंबई के बोरीवली स्टेशन में पहुंचती है 3:58 पे और 4:02 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 4 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है अपने सेकंड लास्ट स्टेशन दादर वेस्टर्न में 4:41 पे पहुंचती है और 4:44 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 3 मिनट का स्टॉप है। यहां पर ये 5 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके रुकती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है मुंबई सेंट्रल में 5:05 पे पहुंचती है और अपनी 1892 किलोमीटर की यात्रा जो है ये कवर कर चुकी होती है। दोस्तों इसी के साथ गोल्डन टेम्पल ट्रेन की जो वीडियो है गोल्डन टेम्पल मेल ट्रेन की वीडियो जो है समाप्त होती है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन बाकी लोगों तक भी पहुँचती रहे। और आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं। या अगर आप चाहते हैं कि आपके कोई फेवरेट टॉपिक या किसी फेवरेट ट्रेन या किसी फेवरेट ट्रेन रूट पर मैं वीडियो बनाऊँ तो कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।